आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी पोहा की रेसिपी, जिसे आप सुबह के नाश्ते में भी बना सकते हैं या शाम की छोटी मोटी भूख में भी बना सकते हैं। ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी है और हेल्दी है और ना ही ज़्यादा इसमें तेल लगता है। और देखिए बिल्कुल खिला खिला बना है, एक एक दाना बिखरा हुआ है पोहे का। तो चलिए फिर बनाते हैं खिला खिला टेस्टी पोहा। इसके लिए मैंने सबसे पहले एक कटोरी पोहा लिया है और इसको एक बोल में कर लूँगी। और अब इसमें मैं डालूँगी पानी। पोहे को हम इस तरह से धो लेंगे। देखिए पोहे को इस तरह से धो लेना है और इसका पानी सारा निकाल देना है। पोहे को हम इस तरह से चम्मच से अलग कर लेंगे ताकि हमारा पोहा बिल्कुल खिला खिला और बिखरा बिखरा बने। और अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक और साथ ही इसमें एक चम्मच चीनी भी डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें, जितना आपको चाहिए। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब इसको 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अब रखेंगे हम गैस पे कढ़ाई और उसमें डालेंगे हम 2 चम्मच ऑयल। बस 2 चम्मच ही ऑयल लेना है और नहीं लेना है। अब हम लेंगे मूंगफली के दाने और इनको इसके अंदर डाल देंगे। अच्छे से इसको हम भून लेंगे। अगर आपके पास मूंगफली के दाने भुने हुए हैं तो आप ना भुने। मेरी तो ये कच्ची मूंगफली है तो इसलिए मुझे भूननी पड़ रही है। अगर नहीं है मूंगफली के दाने भुने हुए तो आप ज़रूर भुने इसे। और ये देखिए थोड़े सुरख हो गए हैं हमारे ये दाने। अब हम इनको निकाल लेंगे। अब इसी ऑयल में हम 1 चम्मच ऑयल और डाल देंगे और इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच सरसों। सरसों को चटकने देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो एक ही हरी मिर्च डाल दें और साथ ही कटा हुआ कड़ी पत्ता भी हम इसके अंदर डाल देंगे। और इन्हें थोड़ा भून लेंगे। ये देखिए ये भून गई है। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और हल्दी को भी भून कर अच्छे से इसकी कचैन निकाल देंगे। अब जो ये हमने पोहा भिगोया था ये भी फूल गया है, वो पोहा भी हम इसके अंदर डाल देंगे। ये नमक डालना नहीं है, नमक तो हमने पहले ही इसमें डाल दिया था। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए बिल्कुल एक एक दाना खिला खिला आया है और कलर भी बहुत ही प्यारा आया है। ऐसे ही 2-3 मिनट के लिए पका लेंगे। और अब हम डालेंगे इसमें 1 नींबू का रस और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम कर देंगे गैस को ऑफ और इसको करेंगे सर्व। ये देखिए वाओ, कितना खिला खिला और कितना बिखरा बिखरा हमारा पोहा बना है। जो ये मूंगफली के दाने हैं जो हमने ये भुने थे वो भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। मूंगफली से क्या होता है ना, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है पोहा। और अब हम इसमें डालेंगे भुजिया। भुजिया से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हम डालेंगे इसमें कटा हुआ हरा धनिया। और ये लीजिए, मिनटों में तैयार है बनकर हमारा बहुत ही टेस्टी पोहा। ये देखने में भी बहुत ही अच्छा है, खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। और पहली बात तो ये कि झटपट बन जाने वाला नाश्ता है, ना ही ज़्यादा मेहनत लगी, ना ही ज़्यादा सामान लगा और मिनटों में बन के रेडी है हमारा पोहा। खाओ पियो इंजॉय करो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करो और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।